तो हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो में और लेकर के आऊँ। तो चलिए, मैं पहले आज अपना कंटेंट बता देता हूँ। आज का वीडियो हमारा है क्या, हमारे पास एक नोट 7 का फ़ोन है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, नोट 7 प्रो ये मॉडल है, और इसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, उसके प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे पावर की को प्रेस करता हूँ सबसे पहले, और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं फ़ोन ऑन करूँ तो द सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय का यहाँ पे मैसेज आ रहा है, और ये फ़ोन बंद हो चुका है गाइस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, द सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय का एक मैसेज आ रहा है। मैं फिर से एक बार रिपीट चालू करके आपको मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे पावर प्रेस बटन टू सच डाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसको क्लिक कर रहे हैं, तो ये हमारा द सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय का मैसेज आ रहा है। तो चलिए, इसके सोल्यूशंस को हम करने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा, और वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मैं आपको बता दूँ, ये क्वालकॉम का सीपीयू है। तो आप देख सकते हैं इसकी कैसे फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है और कैसे आपको क्या करना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दो दो चार टेस्ट पॉइंट देख रहे हैं वहाँ पे, जो राइट के दो नीचे के दो टेस्ट पॉइंट हैं, ये इसका एडियल टेस्ट पॉइंट है। मैं इसको टच करूँगा और फ़ोन को कनेक्ट करूंगा एडीएल मोड पे, और आगे का प्रोसेस चलिए अपने डेस्कटॉप पे दिखाते हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको सबसे पहले करने वाले हैं फ्लैशिंग। फ्लैशिंग के बाद अगर नहीं होता है तो इसकी इमिमसी को चेक करेंगे कि इमिमसी करप्ट हो जाने के कारण, 90% कंज्यूम हो जाने के कारण भी ये प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहले हमें इसकी फ्लैश फाइल चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने फ्लैश फाइल इसकी डाउनलोड करके रख दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका टूल खोल लेता हूँ कि मैं यहाँ पे UMT से करने वाला हूँ गाइस। मैं इसको किस प्रकार से फ्लैश करने वाला हूँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फाइल दिखा रहा था, तो चलिए मैं इसको फाइल को दिखा देता हूँ। ये इसकी फाइल है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज फाइल, और यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो firehouse.mbn आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं firehouse.mbn, ये हमारी फाइल है गाइस, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता दूँ। तो फटाफट चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। UMT हमारा ओपन हो चुका है। अब UMT ओपन होने के बाद सिंपल और सिंपल हमें प्रोग्राम टिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये हमारी फाइल है गाइस, तो इस फाइल से देख सकते हैं यहाँ पे हमें ओके कर देना है, और ये हमारी फाइल लोड हो चुकी है। अब मुझे करना क्या है, सिंपल और सिंपल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। अब सिंपल और सिंपल हमें करना क्या है, फ़ोन को कनेक्ट करना है। फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि जो हमने टेस्ट पॉइंट आपको दिखाया हुआ था, उस टेस्ट पॉइंट पे आपको टच करना है और USB केबल को इन करना है गाइस। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे USB केबल इन कर देते हैं। तो गाइस, डिवाइस मैनेजर में आपको दिखा देता हूँ कि पोर्ट हमारा बना लिया है कि नहीं बना लिया है। तो मैं यहाँ पे आपको पोर्ट भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्वालकॉम पोर्ट, किसी QS लोडर हमारा पोर्ट बना चुका है, और सिंपल सिंपल हमें कर देना है फ्लैश। तो फ्लैश कर देना है गाइस। अब देखते हैं कि हमारा जो फ्लैशिंग है वो कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, जो हमारा इसका सोल्यूशंस है वो सोल्यूशंस होता है कि नहीं होता है। अगर मान लीजिए गाइस, अगर आपका ये फ्लैशिंग से नहीं सॉल्व होता है, तब आपको क्या करना है, इसकी इमिमसी निकाल करके इसकी इमिमसी की हेल्थ चेक करनी है कि इसकी इमिमसी कहीं 90% कंज्यूम तो नहीं हो गई है, क्योंकि ये 90% कंज्यूम होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आता है, द सिस्टम हैज़ बिन डिस्ट्रॉय। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कर रहे हैं यहाँ पे लाइव फ्लैशिंग, और इसमें कोई एरर आएगा तो मैं आपके सामने यहाँ पे करूंगा लाइव। तो डिटेक्ट चीफ यहाँ पे हो चुका है, लोडर हमारा ओके हो चुका है, ऑथ हो चुका है।
तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा फ्लैश हो चुका है। अब देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए अपने फोन स्क्रीन में आपको दिखाते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ गाइस। तो चलिए गाइस, वीडियो को फोन को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं फोन हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है। तो जैसे ही हम मैसेज करते थे, जैसे ही फोन हमारा ऑन होता था, द सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय का मैसेज आता था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा, ये वही फोन है जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये फोन प्रॉपरली तरीके से देख सकते हैं अभी ऑन हो गया है। अगर मान लीजिए सपोज ये आपका प्रॉब्लम फ्लैशिंग से सॉल्व नहीं होता, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हमने फ्लैश किया ओवरऑल। तो मान लीजिए सपोज अगर फ्लैशिंग से सॉल्व नहीं होता है, तब आपको करना क्या है गाइस, इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, हेल्थ चेक करना है। तो जस्ट अ सेकेंड, देख सकते हैं फोन हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। तो ये फोन हमारा ऑन हो चुका है और द सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय का जो मैसेज आ रहा था वो हट गया। तो बेसिकली चलिए ठीक है, अभी तक के लिए ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.